अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 14 को डिस्कस कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। प्रीवियस लेक्चर तक हमने 10 शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लिए इस चैप्टर के, तो आज इस लेक्चर में कुछ 6 शॉर्ट क्वेश्चन है जिसको डिस्कस करेंगे। तो पहले नंबर पर जो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है वो है डिफाइन एपॉक्सी रेजिन, गिव इट्स इम्पॉर्टेंस। इम्पॉर्टेंस का मतलब यह है कि इसको कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो याद रखिए कि एपॉक्सी रेजिन क्या होते हैं। जी, इसका नाम उठाया गया ना, इपॉक्सी, इपॉक्सी रेजन। ये जो इपॉक्सी नाम है ये उठाया गया है एपोक्साइड से। कहां से? एपो ऑक्साइड। और एपोक्साइड कौन से कंपाउंड होते हैं? ये ऐसे कंपाउंड हैं जिसमें एक और इसके साथ वाला कार्बन एटम एक ही ऑक्सीजन से जुड़ा हो। इस तरह के कंपाउंड्स को हम नाम दे रहे होते हैं एपॉक्साइड का। क्या नाम दे रहे होते हैं इसको? एपॉक्साइड का। आपने ना बेसिकली यहाँ पे जो चीज़ बतानी है एपॉक्सी रेजिन में, वो इसके मोनोमर्स कौन कौन से हैं, उसका यूज़ कहाँ पे होता है। इसके बेसिकली अगर देखा जाए तो मोनोमर्स कौन से हैं, एक हमारे पास मोनोमर ये वाला है। फार्मूला आपको बनाना आना चाहिए, CH2, CH2, CH, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्लोरीन, और यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ऑक्सीजन जुड़ा होता है ये वाला। एक तो मोनोमर है ये वाला है, इसके साथ जो मोनोमर है ये वाली चीज़ मिल रही होती है आगे इस चीज़ से। किस चीज़ से? दरमियान में कार्बन आपने बनाना है। एक साइड पे आप बनाओगे CH3, इस साइड पे भी CH3, इसके इस कार्बन के इस साइड पे ये वाली चीज़ बनाओगे बेंजीन, इस तरह की। इस साइड पे भी एक बेंजीन बना लो और यहाँ पे एक OH लगेगा और एक OH यहाँ पे लगेगा। ये दो है हमारे पास बेसिकली मोनोमर। इन दो मोनोमर के मिलने से हमारे पास इपॉक्सी रेजिन्स बन रहे होते हैं। अच्छा, इपॉक्सी रेजिन्स क्या होते हैं मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ। कभी आपने देखा होगा ये YouTube पे या Facebook पे कुछ इस तरह की वीडियोस आती हैं जिसमें वो एक जैसा शायद नहीं होता इस तरह के एक लिक्विड होता है, किसी जगह पे कुछ शेप बनानी है ना, कोई भी शेप बनानी है, तो वो उस लिक्विड अगर मेरे पास ये इस तरह की कोई चीज़ है, ये अंदर से खाली है, मैं सपोज करता हूँ ये अंदर से खाली है, तो वो इस जैसे शायद नहीं होता गाढ़ा, ये सेम इस तरह का होता है, इसको इसके अंदर डालते हैं और ये इसकी शक्ल में आ जाता है, और इसके बाद थोड़ी देर के रखते हैं और इतना सख्त हो जाता है कि आप इसको तोड़ोगे तो फिर भी नहीं टूटेगा। ये थिक सा जो लिक्विड है वो उसको एपॉक्सी रेजिन कहते हैं। इसको बाज़ दफ़ा ना लकड़ी के साथ मिलाया जाता है, लकड़ी के अंदर छोटे छोटे सुराख हो ना उनके अंदर डाल के ऊपर से मुलायम कर देते हैं, बिल्कुल उसके अंदर फिक्स हो जाता है। सो ये तो एपॉक्सी रेजिन को बेसिकली हम टफनेस, हार्ड सरफेस प्रोवाइड करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। सही है, तो इसकी टफनेस बहुत ज़्यादा होती है, टफनेस, हार्ड सरफेस वगैरह बनाने के लिए हम इसका यूज़ कर रहे होते हैं। पहले नंबर पे आपने जो मेन चीज़ है बच्चों, वो इसके मोनोमर्स के नाम याद रख रहे हैं कि एपॉक्सी रेजिन्स में दो मोनोमर इस्तेमाल होते हैं। ये मोनोमर जब आपस में पॉलीमराइज होते हैं, ये वाला यहाँ से सीएल उतरेगा, यहाँ से एच उतरेगा, ये जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। सही, यहाँ पे इसका पॉलीमर नहीं बना के दिखाया, हमने पीछे जितने पढ़े थे उनमें पॉलीमर बना के दिखाए हुए हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी बुक वाला ही सिंपल मोनोमर दे रहा है। क्या दे रहा है? सिर्फ और सिर्फ मोनोमर दे रहा है। अब एपॉक्सी रेजिन्स टफनेस और हार्डनेस, हार्ड सरफेस दे रहे होते हैं। इनकी बेसिकली जो इंपॉर्टेंस है वो आपके है, इंपॉर्टेंस की बात की जाए इंपॉर्टेंस तो बच्चे वो है डैम्स में। कहाँ पे? इसको अमूमन यूज़ किया जाता है डैम्स और ब्रिजेस, ब्रिजेस के सरफेस वगैरह बनाने के लिए कि पानी की लीकिंग वगैरह वहाँ से ना हो, क्योंकि अगर डैम या ब्रिज में थोड़ी बहुत पानी की लीकिंग होती है फिर ऐसे से बढ़ती है और डैम टूटने का खतरा होता है, इसलिए हम एपॉक्सी रेजिन्स को वहाँ पर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। ये छोटी सी बात याद रखिएगा। अब इसके बाद जो बाकी जितने भी क्वेश्चंस आ रहे हैं बच्चे, सारे के सारे सिंपल क्वेश्चंस हैं, इतने ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं। अगर किसी को बायोलॉजी आती है ना वो इन सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर आसानी से दे सकता है। तो हमारे पास क्या है जी, डिफाइन कार्बोहाइड्रेट्स,
वाई दे कार्सो। ये पास्ट में अपना क्वेश्चन आ चुका है कि कार्बोहाइड्रेट्स क्या है, इनको कार्बोहाइड्रेट कहते क्यों हैं, रीज़न बतानी है। सही है, तो कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन अगर देखी जाए तो सिंपल सी डेफिनेशन है, कहते हैं कार्बोहाइड्रेट्स आर कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ये एक डेफिनेशन है। और कार्बोहाइड्रेट्स को एक और भी नाम दिया जाता है कार्बो, या आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा कार्बोहाइड्रेट्स आर नॉन एज हाइड्रेटेड कार्बन। अब बेसिकली ये अल्फाज ही आपको बता रहे हैं कार्बोहाइड्रेट, कार्बो से मुराद है कार्बन और हाइड्रेट मीन हाइड्रेशन है, और हाइड्रेशन जहाँ पर भी लफ्ज़ आता है हमने पढ़ा हुआ है ये रिलेट करता है वाटर के साथ। अगर आप इसका जनरल फार्मूला देखते हो ना, जनरल फार्मूला अगर मैं कार्बोहाइड्रेट का बनाऊँ तो इसका जनरल फार्मूला आता है CH2O Y। अब बेसिकली हमारे पास ये X और Y कोई भी वैल्यू हो सकती है। सही है, तो अब कार्बन के साथ वाटर जुड़ा होता है, डेट्स इट इज़ नोन एज अ कार्बोहाइड्रेट। मैं एग्जाम्पल देता हूँ ग्लूकोज की, चेक कीजिए ये फार्मूला वहाँ पे फिक्स आता है। ग्लूकोज का फार्मूला C6H12O6। तो अगर मैं इसको C6 करूँ और इसको करूँ H2O और यहाँ पर कर दूँ 6, तो इस फार्मूले में इस फार्मूले कोई फ़र्क नहीं है। आप 6 को अंदर मल्टीप्लाई करो इसके साथ और इसके साथ, 6 × 2 = 12, 6 × 1 = 6। यहाँ पे x की वैल्यू, ये वाली जो चीज़ है ये हमारे पास x है और ये वाली जो चीज़ आ रही है हमारे पास y है। ये x और y सेम भी हो सकते हैं, x और y डिफरेंट भी हो सकते हैं। सही है, तो ये हमारे पास जनरल फार्मूला है। और कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट कहते इसलिए हैं क्योंकि इसमें कार्बन के साथ इसके जनरल फार्मूला का देखा जाए तो वाटर मौजूद है। कार्बो से मुराद है कार्बन है, हाइड्रेट से मुराद है वाटर, दैट्स व्हाट इज नोन एज कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसमें मैंने एक वर्ड लिखा है पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन्स होते हैं। अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन, इस लफ्ज़ से क्या मुराद है इसको हम देखेंगे यहाँ पे। तो मैं इस लफ्ज़ को समझाने के लिए मैं आपको लेकर चलूँगा वहाँ पे। यहाँ पे एक पास्ट पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, ये कार्बोहाइड्रेट की एग्जांपल में आप डायग्राम भी बना सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, राइट ऑन द स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला ड्रा करें। तो बेटा अगर मैं स्ट्रक्चर फार्मूला ड्रा करता हूँ तो ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर फार्मूला कुछ इस तरह का है, C(OO) और यहाँ पे H होगा, इसके नीचे वाली साइड पे 1, 2, 3, 4, 5 और 6 टोटल कार्बन होते हैं। यहाँ पे OH लगा होता है, तीसरे नंबर पे OH यहाँ पे लगा होगा, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, यहाँ पे OH होता है, H, यहाँ पे एक H होगा और एक H यहाँ पे होगा। फिर नंबर पे चेक करो क्या इसमें 6 कार्बन 6 ऑक्सीजन और 12 हाइड्रोजन है, चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन है, ऑक्सीजन चेक करते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑक्सीजन है, तो C6O6 हो गया। अब H12 चेक करते हैं कि H12 है या नहीं है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 1 12 ही हाइड्रोजन है। सही, अब इसको पोली हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन कहेंगे। तो अगर यहाँ पर गौर करो बच्चे, ये वाला जो ग्रुप है इसको हाइड्रोक्सी ग्रुप कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। अब इसमें देखो एक ग्रुप ये बड़ा हुआ है, एक ग्रुप ये बड़ा है, 2, 3, 4, 5 क्या है, 5 के लिए हम वर्ड यूज करते हैं पेंटा, हम इसके लिए वर्ड यूज करते हैं पेंटा हाइड्रोक्सी। ये क्या है, पेंटा हाइड्रोक्सी। और इसको ऊपर चेक करो, ये वाला जो ग्रुप लगा हुआ है ना, ये वाला ग्रुप है एल्डिहाइड, तो ये हो गया पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ये क्या हमारा पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है। ये एक सिंपल सी बात आप अपने जहन में रखिएगा। अब ये पेंटा हाइड्रोक्सी है, अब जरूरी नहीं है जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स में 5-5 हाइड्रोक्साइड हो,
आप सेलुलोज की बात करो, आप स्टार्च की बात करो, ग्लाइकोजन की बात करो, उसमें हजारों की तादाद में हाइड्रोक्साइड मौजूद होते हैं। अब वहाँ पे हम फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कहेंगे। बेसिकली आपने जब भी पढ़े मोनो वर्ड यूज करते हैं डाई ट्राई, मैक्सिमम थ्री तक जाते हो, इससे बाद जितने भी होते हैं आप पॉली का वर्ड इस्तेमाल कर देते हो। सो हम यहाँ पे पॉलीहाइड्रोक्सी इसकी वजह से कह रहे हैं, ऊपर जो फंक्शन ग्रुप लगा होगा वो या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, इन दो ग्रुप के अलावा कोई तीसरा ग्रुप मौजूद नहीं होगा। किसमें? कार्बोहाइड्रेट्स में। डेट्स वाई कार्बोहाइड्रेट्स आर नोन एज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड कीटोन्स। और इसको कार्बोहाइड्रेट को कार्बोहाइड्रेट इसलिए कहते हैं, वाई दे कार्सो, इसको कहते क्यों हैं, उसकी रीज़न भी आपको बता दिया। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कार्बन के साथ वाटर जुड़ा होता है, और कार्बो मीन कार्बन, हाइड्रेट्स मीन वाटर होता है। सही हो गया। अब कार्बोहाइड्रेट की अगर एग्जांपल टाइप्स की बात करूँ ना, टाइप्स हमारे पास इसकी तीन होती हैं, तीन टाइप्स हैं। कितनी टाइप्स हैं हमारे पास? तीन। एक होता है हमारे पास मोनोसैकेराइड्स, एक होता है हमारे पास ओलिगोसैकेराइड्स, और एक होते हैं हमारे पास पॉलीसैकेराइड्स। ये तीन टाइप्स हैं हमारे पास, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। ये सिंपल सी बात आपने ध्यान रखिएगा। सो हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो मोनोसैकेराइड के रिलेटेड है। डिफाइन मोनोसैकेराइड, गिव एग्जांपल। सो मोनोसैकेराइड की बात की जाए तो बच्चे मोनोसैकेराइड वर्ड पर जाइएगा पहले। मोनोसैकेराइड मुझे मोनो का लफ्जी मतलब होता है वन, सैकेराइड वर्ड निकला है सैक्रम से, किससे? सैक्रम से। और सैक्रम का लफ्जी मतलब होता है ग्लूकोज। क्या मतलब होता है? ग्लूकोज, जिसमें ग्लूकोज का सिर्फ और सिर्फ एक ही मॉलिक्यूल मौजूद हो मोनोसैकेराइड कहेंगे। सही है। तो ये बेसिकली क्या होता है मोनोसैकेराइड, मैं एग्जांपल दे देता हूँ। बस जो चीनी जो खाते हैं ना, चीनी नहीं कह सकते बेसिकली, ग्लूकोज कहें तो ज़्यादा बेस्ट है। जो ग्लूकोज है वो मोनोसैकेराइड है। अगर आपको उसकी सारी सारी प्रॉपर्टी पता है तो आप मोनोसैकेराइड के बारे में कुछ ना कुछ लिख सकते हो। मसलन पहले नंबर पर जो चीज़ आपने याद रखनी है बच्चे, इसमें तीन से लेके नाइन तक कार्बन एटम होते हैं, कार्बन एटम्स होते हैं। और इसी के लिहाज से तीन से लेकर नाइन तक कार्बन एटम है। अगर किसी में तीन कार्बन है, चार कार्बन है, पांच कार्बन है, छह कार्बन है, तीन कार्बन वाले को क्या कहेंगे? ट्राई ओज। चार कार्बन वाले को टेट्रोज। और जिन्होंने बायो पढ़ी उनके लिए काम काफी ज्यादा आसान है। पांच कार्बन वाले को पेंटोज कहेंगे, छह कार्बन वाले को हेक्सोज कहेंगे। सही है। सात कार्बन वाले को हेप्टोज, ऑक्टोज, नोनोज। सही है। तो हमारे पास बेसिकली जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसके अमूमन बात की जाती है, वो ये दो है। पेंटोज कहाँ पर पाई जाती है? आपके डीएनए एंड आरएनए के अंदर पाई जाती है पेंटोज शुगर। इसमें डी ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और इसमें राइबोज शुगर पाई जाती है। इसमें डी ऑक्सीराइबोज और राइबोज जो शुगर होती है वो पेंटोज शुगर होती है। पेंटोज शुगर का मतलब क्या? उसमें पाँच कार्बन एटम होते हैं। और हेक्सोज की बात की जाए तो ये मोस्ट कॉमन शुगर है, मोस्ट कॉमन है। किस लिहाज से? ये पेंटोज है। ये क्या हमारे पास? सॉरी, हेक्सोज, छह कार्बन है। चेक करो, ग्लूकोज इज अ हेक्सोज शुगर। क्यों? क्योंकि इसमें छह कार्बन है। जिसमें छह कार्बन होंगे उसको हेक्सोज का नाम देंगे। क्या नाम देंगे उसको? हेक्सोज का नाम दे रहे होते हैं। मुझे मोनोसैकेराइड के बारे में चंद बातें और भी याद रखेंगे। नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं, नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। अब नॉन हाइड्रोलाइजेबल का मतलब क्या होता है? कि अगर आप इसको पानी में डालते हो ना, जैसे C6H12O6 है, आपने इसको पानी में डाला, पानी में डालने के बाद ये C6H12O6 ही रहती है, टूटती नहीं है पानी में जाने के बाद। वाटर में जाने के बाद ये वाली चीज टूटेगी नहीं। जो चीज पानी में जाने के बाद टूटे ना, वो नॉन हाइड्रोलाइजेबल है। वो क्या हमारे पास? नॉन हाइड्रोलाइजेबल है। सही। तो ये पहले नंबर नॉन हाइड्रोलाइजेबल होते हैं। स्वीट टेस्ट होता है इनका, मीठा जायका होता है। सही है। इसके अलावा जो मोनोसैकेराइड है, ये सारे के सारे वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, वाइट क्रिस्टलाइन
सॉलिड है बच्चे, अगर इतनी बातें लिख दोगे आपको दो नंबर कम से कम दे देगा एग्जामिनर। सही है, ये बेसिकली ये वाली है ना हमारे पास, ये वाली यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये बेसिकली मोनोसेक्राइड की टाइप्स हैं। ये किसकी टाइप्स है? मोनोसेक्राइड की टाइप्स हैं। अब जो नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है वह राइट डाउन द फार्मूला ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज का फार्मूला लिखना है और बीटा डी ग्लूकोज का फार्मूला लिखना है। अच्छा, ये आपने ना बायोलॉजी में रिंग स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, किसकी? ग्लूकोज की। अगर वो ग्लूकोज की आपको रिंग स्ट्रक्चर आती है तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज आसानी के साथ कर सकते हो। कैसे भैया? आपने सबसे पहले ना स्ट्रक्चर बनानी है, आपने इस तरह की बनाने सीखी हुई है। कार्बन, यहाँ पे ऑक्सीजन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है, यहाँ पे कार्बन होता है और एक कार्बन यहाँ पे होता है। रिंग के अंदर 5 कार्बन होते हैं और एक कार्बन यहाँ पे बाहर वाले साइड पे होता है। सही है, इसी तरह मैं पहले दोनों की स्ट्रक्चर बना देता, फिर मैं आपको बताऊंगा फर्क कहाँ पे आता है अल्फा डी में और बीटा डी ग्लूकोज में। ये मेरे पास ये रिंग बना लेना, रिंग में ऑक्सीजन को यहीं पर रखना है आपने। सही है, और एक कार्बन यहाँ पर होगा, ये वाला सेम है CH2OH आएगा और यहाँ पे भी CH2OH। पहले मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना लेता हूँ। इसमें हमारे पास क्या होगा? यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, ऊपर H। इसमें थर्ड नंबर वाला जो कार्बन एटम है इसमें अरेंजमेंट हमेशा डिफरेंट होती है। इसमें OH ऊपर होगा, H नीचे होगा और यहाँ पे हमारे पास H और यहाँ पे OH। सही है, चेक कर लो, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन C6H12O6 ही बनेगा। चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 और 1 6। हाइड्रोजन चेक करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 1 11 और 1 12। 2 2 4 2 6 2 8 2 10 11 और 1 यहाँ पे 12 हाइड्रोजन। सही है, तो ये हमारे पास है जी अल्फा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज पता क्या करना है? अल्फा डी में और बीटा डी में सिर्फ एक फर्क है। अल्फा डी ग्लूकोज में और बीटा डी ग्लूकोज में सिर्फ एक चीज का फर्क है, वो इस पोजीशन का है। अगर इस OH को उठा के ऊपर कर दो, बाकी सारा कुछ सेम है। कैसे? सिर्फ इस किस इस और इस पोजीशन को चेंज करना है आपने। क्या करोगे? इस OH को उठा के ऊपर और इसको नीचे कर दो, बाकी हमारे पास क्या बन जाएगी? बीटा, यहाँ पे OH लगाओ, यहाँ पे H, बाकी सारे को सेम रखो, बाकी यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH और यहाँ पे H। और ये वाली जो चीज़ बनी है हमारे पास, ये है बीटा डी ग्लूकोज। ये अल्फा डी ग्लूकोज का फार्मूला है और ये बीटा डी ग्लूकोज का फार्मूला है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ का फर्क है, वो पोजीशन ऑफ एच एंड OH ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात याद रखिएगा, आपने ना अगर इसमें नंबरिंग देते हो तो किस साइड से स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना? यहाँ स्टार्ट करोगे या यहाँ स्टार्ट करोगे? यहाँ से कहाँ स्टार्ट करते हैं नंबरिंग देना? कहाँ से? किसे? यहां स्टार्ट करेंगे 1, यहां से। ये बात याद रखिएगा, यहां पर नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 ये नंबरिंग होती है। ठीक है ना? आपने पढ़ा होगा ये बायोलॉजी में कि 1 6 लिंकेज, 1 4 लिंकेज, 1 6 लिंकेज, 1 4 लिंकेज, बेसिकली क्या बता रहे होते हैं? 1 3 लिंकेज, वो ये बता रहे होते हैं कि पहला कार्बन का बॉन्ड बना हुआ है छठे कार्बन के साथ। सही, अगर दूसरा मॉलिक्यूल इसके साथ जुड़ता है, वो बॉन्डिंग को बता रहे होते हैं कि किस कार्बन का बॉन्ड किस कार्बन के साथ बना है या जुड़ा हुआ है। चलो ये अब नेक्स्ट हमारे पास जो सवाल है वो ये है कि पॉइंट आउट द डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज में फ्रक्टोज में फ़र्क लिखना है। स्ट्रक्चरल फार्मूले, पहले नंबर पे आपने ये बताना है कौन सा पेंटाहाइड्रोक्सीएल्डिहाइड है, कौन सा पेंटाहाइड्रोक्सी कीटोन है। सही है, तो यहाँ पे जब हम फर्क लिखेंगे तो कुछ ये वाला काम करेंगे, बीच में एक साइड में हमारे पास आ जाएगा
ग्लूकोज एक साइड में, ग्लूकोज और एक साइड में हमारे पास आएगा फ्रक्टोज, एक साइड में ग्लूकोज एक साइड में फ्रक्टोज। ग्लूकोज हमारे पास क्या होता है, पेंटा हाइड्रोक्सी ग्लूकोज इज पेंटा हाइड्रो ऑक्सी एल्डिहाइड। और फ्रक्टोज क्या है ये बताता हूँ, अभी समझाते हैं कैसे। फ्रक्टोज इज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, और फ्रक्टोज पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है। अच्छा, ग्लूकोज की स्ट्रक्चर वो वाली सेम एग्जैक्ट उठा के नीचे बना सकते हैं ना, वो आपने खुद बना लेनी है यहाँ पे। ये वाली एग्जैक्ट स्ट्रक्चर इसके नीचे आएगी ग्लूकोज की, और फ्रक्टोज की स्ट्रक्चर क्या बनेगी, आपने छः कार्बन जोड़ने, एक दो तीन चार पाँच और छः, सही है। तो थोड़ा सा ऊपर करके बना लेते हैं, एक दो तीन चार पाँच और छः, छः कार्बन जोड़ने, दूसरे कार्बन पे यहाँ पे ये वाला ग्रुप लगा देना है बस। बाकी क्या करना है ज़रा चेक करते जाइएगा, हमारे पास बाकी काम ये होगा कि यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, यहाँ पे H, यहाँ पे OH, 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 H, 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 H। बेसिकली अगर देखा जाए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक का फार्मूला बेशक ग्लूकोज का हो बेशक फ्रक्टोज का है सेम है, फर्क कहाँ पे आता है, पहले दो कार्बन में। चेक कर लो, एक दो तीन चार, एक दो तीन चार कार्बन है, नीचे चेक करना शुरू करो, सी के साइड में ओ एच 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 ओ एच 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 ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच ओ एच एच। इस अब ओ एच इस साइड में ओ एच एच, ये बात याद रखिएगा, तीसरे नंबर पे जो कार्बन एटम होगा उसमें ओ एच दूसरी साइड में लगाना है, ये बात आपने जहन में रख लीजिएगा, ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब चेंजिंग कहाँ पे है, ये यहाँ पे पहले दो कार्बन में, इसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये वाला ग्रुप जो आपने पढ़ा होगा ये वाला ग्रुप, अगर सी डबल बॉन्ड हो ओ हो और इस साइड में भी कार्बन हो इस साइड में भी कार्बन हो तो उसको हम नाम दे रहे थे कीटोन का, ये हमने पढ़ा हुआ है कीटोनिक ग्रुप। अगर ये वाला हो और अगर इसके एक साइड में भी हाइड्रोजन आ गया, इसमें देखो ग्रुप यही है सी डबल बॉन्ड ओ वाला ही है लेकिन इसके एक साइड में हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन आता है तो उसको एल्डिहाइड कहेंगे, अगर दोनों साइडों पे कार्बन एटम आ जाता है तो कीटोन कहेंगे। अब ये वाली चीज़ बेसिकली पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन है, पेंटा हाइड्रोक्सी क्यों कहा, जिसमें पांच हाइड्रोक्साइड है, एक दो तीन चार और एक पांच, ये पांच ही हाइड्रोक्साइड है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज अ पेंटा हाइड्रोक्सी कीटोन, सही। तो अगर फर्क आएगा तो आप फर्क इस तरह लिखो, अगर ग्लूकोज के लिए की स्ट्रक्चर भी आ जाती है तो आप सेम इस तरह लिखोगे। अच्छा, एक और बात याद रखना है, बाज़ दफ़ा ये एमडीकेट के हवाले से बता रहा हूँ, भैया ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे के आइसोमर है, क्या है आइसोमरिज्म पढ़ा हुआ है ना चैप्टर में सेवन में, वही है आइसोमर्स है, कौन सी चीज़, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। अच्छा, ग्लूकोज और फ्रक्टोज एक दूसरे का आइसोमर है, आइसोमर की टाइप पड़ी हुई है, चेन आइसोमरिज्म, पोजीशन आइसोमरिज्म, फंक्शन ग्रुप आइसोमरिज्म, टॉटोमरिज्म और मेटामरिज्म। अगर मैं आपसे सवाल करूं, ये कौन सा आइसोमर है, कौन सी टाइप है आइसोमर की, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर आइसोमर टू ईच अदर, विच टाइप ऑफ आइसोमर बिलोंग या बेस्टली एक्सप्लेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, कौन सी होगी। तो याद रखिएगा, ये दोनों फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है, ये क्या हमारे पास दोनों फंक्शन ग्रुप आइसोमर है, कैसे, दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, कैसे, C6H12O6, इसका भी C6H12O6 है, इसका भी C6H12, फर्क कहाँ पे आया, फंक्शन ग्रुप का, दोनों में फंक्शन ग्रुप डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दे आर अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, दे आर अ फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। तो एक सिंपल सी बात आपने याद रखनी है। तो ये था जी हमारे पास आज का लेक्चर, अल्लाह हाफिज़।